जनता ने मन बनाया है केसीआर साहेब को बाय बाय करने का, इसलिए भाजपा ने अपने ऑफिस में काउंटडाउन स्क्रीन्स लगाई हैं। तेलंगाना का हर नागरिक चाहता है कि ऐसी वंशवादी भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिले, इसलिए आज 35,000 बूथों से भाजपा के कार्यकर्ता परेड मैदान में पहुंचे हैं और वहां अभी प्रधानमंत्री कुछ ही समय में पहुंचेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजय संकल्प जनसभा के एक बहुत ऐतिहासिक जनसभा होने जा रही है और ये जनसभा तेलंगाना की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जनसभा होगी क्योंकि 35,000 बूथों से कार्यकर्ता आ रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ता संकल्प लेंगे कि तेलंगाना में वंशवाद की समाप्ति करके, भ्रष्टाचार की समाप्ति करके, लूटवाद की समाप्ति करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली, गरीबों के लिए काम करने वाली डबल इंजन की सरकार बनेगी और जनता का मन है बाय बाय केसीआर, वो बाय बाय होने वाला। केसीआर ने बहुत सारा सवाल पूछे सर, उसका उत्तर मिलेगा। ऐसा है कि तेलंगाना की लाखों जनता आज केसीआर साहब से सवाल पूछ रही है कि बंगारू तेलंगाना का सपना जो उन्होंने 8 साल सत्ता में रहते हुए उसके लिए कुछ नहीं किया, वो कब पूरा होगा। जिन लोगों के हाथ में आज राज है, ये तेलंगाना के संघर्ष के समय विदेशों में घूम रहे थे और गरीब असहाय लोग आज पूछ रहे हैं, आज दलित बंधु पूछ रहे हैं, किसान पूछ रहे हैं, युवा पूछ रहे हैं कि केसीआर साहेब अपने 7-स्टार फार्म हाउस से कब बाहर निकलोगे, कब सचिवालय जाओगे और जनता की बात को, जनता के कामों को, उनकी फाइलों को साइन करोगे, क्योंकि केसीआर साहब तो राजा बाबू है, राजा बाबू के पास समय नहीं रहता है, राजा बाबू अपनी शाम में व्यस्त है, उन शामों में ही व्यस्त रहते हैं। श्रीलंका का सर